श्याम प्रेमी, देखिए इतना दयालु है ये बाबा। अरे हमने बुलाया, बाबा आया। बाबा आज हमारी राजवर नगरी में आया, बड़े भागशाली है, लेकिन बाबा आया। एक बात जरूर कहना बाबा कि हमें खाटू भी बुलाते रहना, क्योंकि जब तक तेरी नगरी में नहीं जाते हैं तेरे को आनंद, तेरे को सुकून नहीं मिलता। आइएगा, कौन कौन बाबा भाई नगरी में हरियाणा को जाना चाहेगा तो दोनों हाथ धो लीजिए, जो भी श्याम प्रेमी। और ये पिछले वाले खड़े हैं, मैं मेरी जन्म देने वाली माँ की कसम खा के कहता हूँ, दरबार में आज का ये प्रोग्राम ऐसा आगाज होने के लिए जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम होगा कि जो जाने की इच्छा रखता है ना कि मैं लेट हो जाऊंगा, सुबह अलवर जाना, जयपुर जाना, वो भी नहीं जाके शाम दरबार में, दरबार में ताली बजाते हो किस बात लीजिएगा, आइएगा। जिन्होंने ताली बजाए उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं बजाए उनके लिए डबल धन्यवाद, और जो ताली बजाने की सोचते हैं पड़ोसन लगा देंगे, पड़ोसी लगा उनके लिए ज्यादा धन्यवाद। आइएगा, जोरदार जयकारा, इतनी सेवा से हाजिर स्वीकार करें, जोरदार जयकारा लगा दी। मेरे बड़े भाई संजय राजस्थानी आगाज करेंगे अपने कलाकार के लिए। शुभकामना के लिए वकील जी निराला, बहुत सुंदर आगाज किया इस जागरण का। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पीछे जो खड़े आप बैठ जाएं, और शाम सेवा समिति के सदस्य जो हैं आप जाकर पीछे व्यवस्था करें, उनको बिठाएं। यह आपका अपना खुद का प्रोग्राम है, इस जागरण को आपको हमको मिलके भव्य बनाना है। मैं वकील जी निराला उनको स्मृति चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। दिनेश जी सोनी, दीपक जी बटवाड़ा, बबली सैनी, प्रशांत जौहरी जी आए और वकील जी निराला का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। और इस ग्रुप के अगले कलाकार अपनी हाजिरी लगाने के लिए, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जयपुर की धरती से पधारे हमारे बीच अभिषेक जी रामा, इस ग्रुप के बेहतरीन कलाकार। और हमारे बीच आज की सुंदर शाम
को सजाने के लिए जी जो कीवर्ड प्ले कर रहे हैं हमारे इस पूरे क्षेत्र की शान भाई फजल भाई, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और धन्ना भाई जो कीवर्ड और भाई जो दोनों प्ले कर रहे हैं इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हरी सारे अनुभव से और गंज खेड़ी से आसपास के जितने भी गायक कलाकार पधारे राजगढ़ नगरी में वकील राजा जोर से सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री शाम। इस प्रोग्राम का सीधा लाइव यूट्यूब एमएस फिल्म्स राजगढ़ के द्वारा यूट्यूब पर सर्च करके पूरा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन कृपया ध्यान दें, क्रेन की लाइट चली गई है। इलेक्ट्रिशियन ध्यान दें, क्रेन की लाइट चली गई है, वहां पर व्यवस्था रहे। एमएस एमएस फिल्म्स यूट्यूब पर आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। अगले कलाकार आप लोगों के बीच अभिषेक जी नामा जो जयपुर की धरती से पार कर राजगढ़ की इस पावन धरा पर आए हैं। इस समिति का उद्देश्य हर वर्ष फुलेरा दोष पर शादी सर्व जाति विवाह सम्मेलन किया जाता है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी कन्या है जो शादी नहीं कर सकते, समिति में आप अपना नाम दर्ज करवाएं और फुलेरा दोष पर वो शादी शाम सेवा समिति के द्वारा करवाई जाएगी। जय श्री श्याम। अगले कलाकार अभिषेक जी नामा को आमंत्रित करता हूं मंच पर। और इस ग्रुप के द्वारा आज लक्की ड्रा भी खोला जाएगा जिसमें 32 इंच की एलईडी और 10 और कूपन रखे गए हैं, वो भी आप लोगों के बीच में खुलेगी एक म्यूजिशियंस के साथ अभिषेक जी नामा।
के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मुन्ना जी लखपति, अरुण जी शर्मा, कैलाश जी सैनी काल वाले और सुल्तान जी सैनी मंच पर पधारे। जयपुर की धरती से पधार कर राजगढ़ की पावन माँ पर बाबा श्याम का गुणगान करने आए हैं हमारे अनुज अभिषेक जी मामा। जिन जिनका मैंने नाम लिया है तुरंत मंच पर बधारे। मुन्ना जी लखपति, अरुण जी शर्मा, कैलाश जी सैनी डाल वाले, सुल्तान जी सैनी, जो भी उपलब्ध है तुरंत पधार कर हमारे अभिषेक जी नामा का दुपट्टा पहना कर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो पीछे खड़े हुए हैं और आगे से आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए जिससे कि पब्लिक को जगह मिल सके। ये तो राजगढ़ का सौभाग्य है कि इतनी अपार भीड़ राजगढ़ में है। ये आपका अपना प्रोग्राम है, यहाँ आज बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं। नगर हेडली अलवर, बहुत दूर दूर से जयपुर। इलेक्ट्रिशियन अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो क्रेन वाले से संपर्क करें, क्रेन की लाइट नहीं आ रही है। लीजिएगा अभिषेक जी रामा अपनी हाजिरी लेकर। इजाजत कोई भूल हो तो पहले ही क्षमा, क्योंकि मैं आप लोगों के आगे नाम मात्र अंश भी नहीं हूँ, सिर्फ कोशिश करूंगा आप मुझे निभा दें। जी शाह भेजा भूली खाटू नरेश की जय, भूली श्री बालाजी महाराज की जय, भूली अपने अपने माता पिता की जय, भूली सांचे दरबार की। जितने प्रेमी आज यहां पे आए हैं ना, ये मेरा मानना है
ना कोई वर्मा जी ना कोई शर्मा जी, ना जितने प्रेमी यहाँ विराजमान है, जो सिर्फ एक शाम परिवार से बिलोंग करते हैं और कोई अलग अलग खानदान से ना होकर एक परिवार होकर एकजुट होकर, ये वही तीन लोगों का मालिक है। खाटू कितने लोग गए हैं जरा हाथ खोल के बताओ। वाह, खाटू नरेश की। और ऐसा कोई है जो कभी खाटू नहीं गया हो? जो खाटू नहीं गए हाथ खोल के बताओ जरा। बहुत कम है, मतलब राजगढ़ पे ऐसी कृपा है बाबा की कि बाबा ने सबको बुलावा है। आज यही सोच के भजन गाना कि जिस तीन लोग के मालिक से मिलने के लिए कुछ 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है ना, और दुनिया के कोने कोने से खाटे वाले की एक झलक पाने के लिए लोग बाग आते हैं, ये वही तीन लोग का मालिक आज राजगढ़ के प्रेमियों के लिए खाटू छोड़ के यहाँ पे आया है। तो बाबा के स्वागत में कोई कमी ना हो और मिलकर बाबा को गजल से भजन सुनाना। खाटू नरेश की, लख दाता रे की। हम लोग कहते हैं लख दाता वो नहीं जो लाख बांटता है, लख दाता वो जो मन की जान के इतना बड़ा उत्सव करवा दे, जो मन की जान के प्रेम को नए नए गुर्दे बना दे, जो मन की जान के हमारे परिवार का पेट भर दे। एक जयकार उस लखदातार के चरणों में, एक भी हाथ पीछे ना हो, तन मन धन एकदम पूरे पूरे हाथ खोलकर लखदातार की। वो जन्म जन्म का साथ देने को तैयार है और दोनों सर पे हाथ रखने को भी तैयार है, तो आपको दोनों हाथ खड़े भी करने पड़ेंगे एकदम पूरे पूरे हाथ भरकर और जोरदार ताली बजाकर कहना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जी।
जयकारा खाटू की पावन गलियों में गूंज रहा जयकारा, हरे का
दुनिया में भक्तों बाबा श्याम सहारा, हरे का दुनिया में भक्तों बाबा श्याम सहारा, जिसका साथ निभाता बाबा उसकी सदा की जय, जिसका साथ निभाता बाबा उसकी सदा की जय। बोलो बोलो प्रेमियो श्याम बाबा की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, हटुआले की जय, बोलो बोलो श्याम बाबा की जय। उठाकर बोले बोले हाथ, ये जोर भरोसा कीजिए। आज एक भजन बाबा को यहाँ
लेख है तो बाबा को सुनाने से हुआ है, और जिसका हुआ है उसको कहने की दरकार नहीं है, मिलकर कहना एक बार। अरे भक्तों की किस्मत का सूरज हो जाता उदय, बोलिए भक्तों की किस्मत का सूरज हो जाता। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम वो श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। हाथों को खोल कर कहना मिलकर एक साथ, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम
भाई डालो। अगले दिन बोली देखो बाबा वहीं नहीं मिलेंगे आपको, मगर जिस मिजाज में आज बैठे हैं, जितना खुश आज बैठे हैं हम अपने बच्चे को देखकर, उतना शायद करना। तो शर्म संकोच मत करो, हाथों को खोल कर बोलो एक बार और जोरदार ताली लेकर कह दो एक साथ, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। और जिसका मन करता है उठाकर पूरे पूरे हाथ और जोरदार ताली
जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। Thank you.
Yeah.
उसकी नाव तो मिट्टी में भी तैरा जाती है, उसकी नाव तो मछलियों में भी तैरा जाती है। तालियां बजाओ। कहना करुणा की जब वर्षा होती, करुणा की जब कृपा की जब वर्षा होती, कृपा की जब वर्षा होती, क्या कर सकती ज्वाला। किसकी किसकी पिताई उठाकर पूरे पर हाथ
Thank you.
जी प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा सिंगा सोना सोना चांद सदूहा बन बैठा सरगा काली टी की लगावन ताई काली टी की लगावन ताई सूरज नीचे उतार दू घर जोर में चाले हीरे मोतिया से नजर ऐसे ही देखो रास्ता भी ना बिगड़े और कुछ कुछ लोग खड़े होकर बाबा को रजाएंगे
Thank you.
स्पीकर्स के काम कर रहे हैं, ये जो सामने स्पीकर्स लगे हुए हैं, कैमरामैन खड़े हुए हैं, जो निवेदन है कोई भी बॉक्स अगर किसी पर गिर गया तो उसको हानि हो जाएगी, आपसे निवेदन है करते हैं। इस चीज के लिए ध्यान रखें, आप स्पीकर्स के पास हट जाएं, अभिषेक भाई की मस्ती चलती रहेगी। हमारे छोटे से परिवार की ओर से, ये मटल परिवार ये मेहनत आज से नहीं कर रहा है, ये डेट आठ अगर कुछ कारण ऐसा हुआ कि अगर कहते हैं जो खाटू वाला कराने का सोच रहे थे तो प्रसाद के लिए क्या वजह कि वो खाटू वाले को आने से रोक पाए, ये थोड़ी एडजस्ट हुई। मगर जितने प्रेमी विराजमान है, जितना उत्साही लोग आज कल करते हैं उससे कई ज्यादा उत्साही आज लोग ले रहे हैं ना। सांची दरबार की खाटू वाला शाम मेरे घर आया, घर आया मेरे घर आया, खाटू वाला शाम मेरे घर आया, मेरे घर आया, खाटू वाला शाम मेरे घर आया, घर आया मेरे घर आया। Thank you.
Yeah.
Thank you.
इन दो अक्षरों से मुझे मालूम पड़े कि मेरा आना गाना सफल हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, जोर से बोलो जय श्री श्याम, हाथों को खोल के बोलो जय श्री श्याम। इतनी हाजिर स्वीकार कीजिएगा, कुछ कहने में कुछ बोलने में अगर भूल चूक हो जाए अपना बालक अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। सांची दरबार की हमारे पूरे संगीत परिवार के लिए मैं कलाकार नहीं कहूँगा, शाम दरबार में बजाने वाला कोई कलाकार है, मेरा सबसे बड़ा कलाकार तो सामने विराजमान है और हम केवल नाम मात्र अंश है। और उससे भी जोरदार ताली हमारे हरी साउंड भैया के लिए, सांची दरबार की कोई भूल नहीं तो क्षमा। और यहाँ आ गए तो एक बार पूरी समिति के लिए भाई जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसे आयो
मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, दीदी ऋषि के सेवा से जोरदार ताली बजाओ इनके सम्मान में, क्योंकि नहीं इनका स्वागत करेंगे राकेश सहनी जी, आर्य भट्ट और श्री राजकुमार भटजारा जी। मैं उनसे निवेदन करूँगा हमारी बड़ी बहन का सम्मान कीजिए। राकेश सहनी जी मुझे कुछ नहीं कि आपने बिना ताली बजाया और छोटे भाई अभिषेक को भी सुन लिया, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ताली बजाओ जोर से। हाँ, और अगर ये जो तीन लकी ड्रॉ निकाले गए हैं अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो हम फिर से लकी ड्रॉ निकालेंगे थी, क्योंकि इनको निरस्त कर दिया जाएगा। हाँ, दोबारा निकाले जाएंगे, वापस ही डाल दो दोबारा। मैं नंबर बोल रही हूँ लकी ड्रॉ के, थोड़ा शांति का ध्यान दें, सुने। लकी ड्रॉ के नंबर है 2898 2898 और 2309 2309 2304। अगर कोई भी उपस्थित है तो किसी भी मंडल परिवार के सदस्य संपर्क करें, अन्यथा ये ऊपर निरस्त करके हम दोबारा ड्रॉ निकालेंगे। और देखिए बड़ी सुंदर सी बात मैं आप सभी के समक्ष बताने जा रही हूँ, लेकिन उस विषय में आप सभी की तालियों में बिल्कुल कंजूसी ना हो, आपकी तालियां बजती रहे, क्योंकि ऐसे कारण होते नहीं है, बहुत खूबसूरती से करवाए जाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारी श्री शाम सेवा समिति राजगढ़ अलवर ये प्रतिवर्ष हर साल फुलेरा दौज को गरीब ऐसेमंद परिवारों की बेटियों का विवाह करवाती है, और जो अगला विवाह आयोजित होगा वो होगा 21 फरवरी 2023 को। तो अगर आप जानते हो कि कोई गरीब निर्धन बेटी हो, क्योंकि वो भी हमारी ही बेटी, हमारे परिवार की बेटी है, तो उसके लिए पूरे तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया जाएगा समिति के द्वारा। तो एक बार जोरदार तालियां पूरी समिति के लिए, बहुत सुंदर कार्य का आगाज किया जा रहा है। और आइए हमारे जयपुर गुलाबी नगरी के छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि जितने छोटे दिखते हैं उतने छोटे हैं नहीं है, लेकिन गाय की बहुत खूबसूरत भाव एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगी कि हमारे छोटे भाई अभिषेक जी नाना का स्वागत दुपट्टा पहना के मुन्ना जी दंपति, अरुण जी शर्मा, कैलाश जी सैनी टाल वाले और सुल्तान जी सैनी, और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रण दूंगी मुकेश जी जयमन, राजेश जी सैनी पूर्व उपाध्यक्ष कॉलेज विजेंद्र सैनी, मुकेश जी सैनी जो कि गुरु जी हैं, और लोकेश जी शर्मा शिव कृपा वाले, सभी स्टेज की ओर मंच पर आ जाएं और बहुत खूबसूरती से हमारे छोटे भाई अभिषेक जी नामा का स्वागत और सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां, अगर आप लोगों को भजन सुंदर लगे हो तो जोरदार तालियां बजाएं। और स्मृति जी भेंट करने के लिए मुकेश जी जयमन, राजेश जी सैनी पूर्व उपाध्यक्ष कॉलेज विजेंद्र सैनी, मुकेश जी सैनी गुरु जी, लोकेश जी शर्मा, जिन सभी का मैंने नाम दिया है वो जल्द से जल्द मंच पर आए, सभी का जिनका मैंने नाम दिया है स्टेज पर आ जाए, मंच पर आ जाए। मुकेश जी जयमन, राजेश जी सैनी, विजेंद्र जी सैनी, मुकेश जी सैनी, लोकेश जी शर्मा, सभी स्टेज पर सादर आमंत्रित हैं, जल्द से जल्द पर आए। अशोक कुमार जी सैनी लाल
अध्यक्ष भाजपा से है, उनसे मेरा निवेदन कि मंच पर पधारे हैं, सभी से मेरा निवेदन और थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि व्यवस्था को आप बनाए, क्योंकि कुछ ही क्षण पश्चात हमारे बीच में जयपुर गुलाबी नगरी की वो आवाज जो करेगी, बहुत सुंदर सा आवाज आप सभी के बीच में, सुरभि जी चतुर्वेदी की कुछ ही क्षण पश्चात हमारे बीच में आने वाली है और उनके तत्पश्चात जयपुर गुलाबी नगरी की एक और आम राय शान अनुज जी नामा भी आप सभी के समक्ष आएंगे और हेमलता जी अरोड़ा, ओम प्रकाश जी अरोड़ा बारी बारी से भजनों की बौछार करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका ताली बजाना बहुत आवश्यक। हाँ, बलराम जी मीना की आवाज सुन रहे हैं, बलराम जी मीना जो कि बहुत खूबसूरत सी समाज सेवा करते हैं वो मंच पर पधारे हैं। और हाँ, एक विशेष बात सभी ध्यान से सुने कि आप ये जो पूरा कीर्तन हो रहा है श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में, इसको यूट्यूब पर डायरेक्ट देख सकते हैं लाइव, उस बैनर को आप छुपाइए मत, MS Films के द्वारा पीछे, हाँ यूट्यूब पर आप लाइव देखें कीर्तन में, अगर किसी ने ताली नहीं बजाई और बजाई हो तो वो आप बाद में जरूर देखें कि किसने बजाई किसने नहीं बजाई। एक बार जोरदार तालियां MS Film के लिए, अरे इतने सारे हो कम से कम तालियों की आवाज तो करो। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हरी साउंड के लिए, अरे ताली को बजाओ। और देखिए एक विशेष अनाउंसमेंट है, हमारे भैया ने बोला है मुझे करने के लिए, वो वाले भैया ने बोला है कि गाड़ी नंबर 1234 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रुक चुकी है, तो जितने भी यात्रीगण हैं अगर जिसको चाय पीनी हो बाहर स्टॉल लगे हैं आप चाय पी के वापस से ट्रेन में बैठ सकते हैं। श्री श्याम मित्र मंडल राजगढ़ हार्दिक अभिनंदन।
के श्याम सेवा समिति के द्वारा तत्वाधान में इतना भव्य इतना बड़ा एक जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप सब भक्त लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं तो केवल और केवल ये बात कहूंगा कि आप सब का कल्याण हो, आप सब को श्याम बाबा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और आप सब के लिए दिवाली मंगल में हो, माँ लक्ष्मी आपके घरों में आए, यही शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम किया, काशी विश्वनाथ में उसको बढ़ाने का काम किया और उज्जैन में महाकाल के वहां पर कॉरिडोर का जो निर्माण किया, इस सनातन धर्म को जिस तरह से उन्होंने जीवंत करके पूरे विश्व में खड़ा किया, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी के जो जिस तरह से काम चल रहा है उसी काम में श्याम बाबा का जो जागरण आज ये समिति करा रही है, ये राजगढ़ के जो सारी जनता आप सब देवतुल्य मेरे माता पिता मेरे भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि आप इस भक्ति और शक्ति के इस समागम में आप इसी तरह से आते रहे और प्रभु श्री श्याम में अपना जो भी मन पड़ता है चाहे मतन मन धन से आप लोग अपना समर्पण दें। आप सब लोग जय भारत। जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था
जाते हैं। हाँ की ओर आए और चाहूंगी जितने मेरे भाई आदरणीय बड़ी खूबसूरत सी धुन के साथ में उनका आमंत्रण स्वीकार करें। तो आएगा सभी के बीच में सुरभी जी चतुर्वेदी। Thank you.
और दरबार में जितने बाबा के प्रेमी विराजमान हैं आप सभी को मेरा जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से कहें जय श्री श्याम। थोड़ा और प्रेम से कहें जय श्री श्याम। बोली लखी दातारे की, बोली हरे के सहारे की। और जिन्हें लगता है कि ये हाथ मेरे खुद के हैं और बाबा के दिए हुए बिल्कुल सलामत है, आकाश की ओर खड़े समर्पित भाव से जय हो। बोली रखी दातारे की, बोली लाज बचाने वाले की, बोली बाकी बिहारी राज की, बोली सियावर रामचंद्र महाराज की, बोली श्री प्रेम भाया की, बोली युवा सरकार की, बोली राधा माधा सरकार की, बोली लीले के सवार की, जय श्री राधे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो जब भी दरबार में जाए बड़े समर्पित भाव से जाए, क्योंकि इनका शुक्रिया अदा करने का मौका बहुत कम मिलता है और बहुत नसीब से मिलता है। आज इन्होंने चुना है इनके गुणगान के लिए हमें, उस मौके का कोशिश कीजिएगा कि मर्यादा थोड़ी बनी रही दरबार की। और ये आपकी जो चल संपत्तियां जो घूम रही है, फूलों की थैलियां और बोतलें लेकर इनको बैठाएं और इनको बताएं कीर्तन कैसे किया जाता है, क्योंकि आज हम हैं कल हमारी जगह ये होगी जो ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनेंगे, माध्यम बनेंगे। आइए बोली लखी दातार की। Shine!
मुझसे ना
मुसीबत को मुझसे नाता जोड़ के तूने हर मुसीबत को टाल रखा है कि जब से तुम्हारी शरण में आया हूँ दर्द को भी दर्द अब होने लगा है जब से तुम्हारी कृपा हुई है दर्द को भी दर्द अब होने लगा है दर्द खुद ही मेरे जख्मों को धोने लगा है दर्द को पाकर ना रोया मैं कभी भी दर्द खुद मुझे पाकर रोने लगा तुम्हारी हुई और जिन्हें लगता है कि ये कृपा है उसके मैं बार बार हाथ खड़े नहीं करवाऊंगी जिन्हें महसूस होता है कि तुम साथ हो इसलिए चलता हूँ वरना एक कदम चलने की मेरी औकात नहीं है वो मिलकर गाइएगा मेरे साथ में Yeah.
गए तो उनकी शक्तियों भी काफी I'm
जिन्हें लगता है कि मेरे पड़ोसी मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरा मुसीबत में साथ देंगे, जिन्हें विश्वास है वो खुद गाना, और जिन्हें उस सरकार पे भरोसा है मिलकर गाइएगा। मुझे आके अब प्रेम है।
जिंदगी में भी आनंद में रहता है। Yeah.
जमाने में बड़ी चर्चा, बड़ा ही नाम,
Yeah!
दूसरा महीना से, तो ये व्यवस्था थोड़ा देखिएगा अगली बार। बोलिए लखी लाल तारे की जय। प्रेमी कहने लगा बाबा से, जो आप ठुकरा के है तो प्यारे, हम और कहां फिर जाएंगे, छान कर खाक जमाने भर की, फिर लौट यहीं पर आ
कहां फिर जाएंगे, छान कर खाक जमाने भर की, फिर लौट यहीं पर आप नहीं आए, आपकी आवाज में कमजोरी है, लौट यहीं पर। और क्यों लौट आएंगे सुनिएगा, नीचे अधम कामी कुट हरी जैसो हूं मैं तो। ये मेरी विशेषताएं हैं, कौन सी, नीच अधम कामी हरी जैसो हूं मैं तो, निज चरणन में राखिए एक पहचान चाहिए, और वो पहचान कैसी, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, मिलकर गाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। और पहचान कैसी चाहता हूँ, वो जो बीते थे मुझे दीवाना कहे, जो चाहते हैं कि पहचान अगर हो तो इसके नाम से हो,
हमें